नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई पासपोर्ट के मैटर पे। जी हाँ भाई, पासपोर्ट का एक मेन आइडेंटिटी होता है आपके पास में अगर आप किसी भी देश में जाते हैं। जी हाँ, और पासपोर्ट बनना कोई छोटी बात नहीं है भाई। हाँ, उनके लिए है जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांव में है, घर में है, बेचारे आराम से आप पासपोर्ट बना लेते हैं, तो आपको तो ये लगता है कि पासपोर्ट बनाना ईजी है। पासपोर्ट बनाना बहुत हार्ड है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जो गलत तरीके से हैं, जिनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, जो दो नंबर में पासपोर्ट बना के विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भाई ऊपर से पसीना लेके नीचे तक आ जाता है, लेकिन पासपोर्ट नहीं बनता है। लेकिन फिर भी आए दिन इंडिया में ऐसे कांड होते रहते हैं कि पासपोर्ट नकली पंजाब में बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, वो पासपोर्ट लेके भाग जाते हैं विदेश में। आपने देखा होगा यहाँ पर भी एक ऐसा माजरा निकल गया है, बांग्लादेशी। जी हाँ, बांग्लादेश का बंदा इंडिया में पासपोर्ट बना के दुबई पहुंच जाता है। जी हाँ, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, बहुत छोटी बात नहीं है भाई। ये एक अलग तरीके से देखा जाए तो ये बहुत गंभीर विषय का मुद्दा है। जी हाँ, और आपने सुना भी होगा भाई कि बंगाल में बंगाली जो हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, भरे पड़े हैं, और ये ही वो वहाँ से गलत काम होता है, आप सबको पता होगा। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, बांग्लादेश का बंदा था, बता दूँ, साबुद्दीन शेख, उम्र है 33 साल। बांग्लादेश का बंदा बंगाल में आया, बंगाल से उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट बनवाए, डॉक्यूमेंट के आधार पे उन्होंने पासपोर्ट बना लिया, पासपोर्ट के आधार पे बंदा इंडियन हो गया, इंडियन एयरपोर्ट पे आया और दुबई पहुंच गया। जी हाँ, एक साल दो साल के बाद में वो बंदा वापस एयरपोर्ट पे आ रहा था इंडिया, क्योंकि पासपोर्ट इंडिया का है तो उसको इंडिया ही आना था। तो भाई आपको पता है ATS जो आतंक विरोधी दस्ता है, आपको सबको पता है, ATS ने सूचना मिल चुकी थी, क्योंकि ये वो इन पे पहले से काम कर रही थी, 21 लोगों को पहले ही एक साल में गिरफ्तार कर लिया है फर्जी डॉक्यूमेंट बना के पासपोर्ट बनाने वालों को। जी हाँ, तो ये उनकी रडार पे था, ये उनकी जांच में था कि बंदा अभी वहाँ है, वहाँ से कब आएगा। तो भाई ATS वो है, बोलते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, एक साल बाद में भी उनको पता लगा कि एग्जिट उस दिन ये उस फ्लाइट में आएगा। जी हाँ, तो भाई ये बंदा दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, ATS बाहर खड़ी थी, सकते हैं अपने तरीके से, और जैसे ही ये बंदा एयरपोर्ट से बाहर निकला उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करके जेल में भेज दिया गया, आगे की जांच जारी है। उससे पहले भी 21 लोगों को ATS ने गिरफ्तार किया था, बता दूं चेन्नई, बेंगलोर, बम्बई में। जी हाँ, 22 अब तक टोटल पकड़े जा चुके हैं जो नकली पासपोर्ट बना के विदेश जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस तरह के। खास तौर से ये जो बांग्लादेश के लोग इंडिया में हैं और ये ही नकली पासपोर्ट बना के, हालांकि ये गैंग है, जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है ये गैंग के तहत पासपोर्ट बनाते हैं नकली, पूरा सिस्टम होता है नकली, हालांकि रियलिटी में असली होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उनका कुछ नहीं होता, जिनका नाम एड्रेस पता दूसरों के नाम से बना लेला इस तरह से इंडिया में। खास तौर से ये गंभीर विषय की बात है, सरकार को इस पर अलग से कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए, या फिर ATS को जो भी है भाई, हालांकि कानून है अपना काम कर रहा है धीरे धीरे, अपन चाहेंगे उस जल्दी से तो होगा नहीं। पंजाब में आए दिन न्यूज़ आती रहती है, फर्जी पासपोर्ट बन गए, बंदा विदेश भाग गया, इधर ये बांग्लादेशी, आप सब ने ये हकीकत बात है ये, तो इन चीज़ों का ये न्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।